दोस्तों किसी भी अपराध के बाद, अपराध होता है उस पर एफआईआर कटती है, एफआईआर होने के बाद में पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल भेजा जाता है मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के द्वारा। अब बात ये आती है कि उसके बाद बेल कैसे होगी। लोग कहते हैं कि चार्जशीट लगने दो, चार्जशीट के बाद तो बेल हो ही जाएगी। ये कथन कितना सत्य है, मतलब कि क्या चार्जशीट लगी किसी भी केस में आपको बेल मिल ही जाएगी, मतलब किसी भी तरह का अपराध हो। ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पर आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आपके परिवार का सदस्य, यार दोस्त या जानकार कोई अगर जेल में है और आप सिर्फ चार्जशीट लगने का वेट कर रहे हैं, तो कब आपको वेट करना चाहिए और कब आपको वेट नहीं करना चाहिए, ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आज बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों है क्या कि कानून की नॉलेज सबको होना चाहिए, साथ में ही कानूनी जानकार जरूर बनना चाहिए। आपके देश का कानून क्या है, संवैधानिक आपके क्या क्या अधिकार है आपको अगर पता है, तो आपके अंदर जो ऊर्जा निकल के आती है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, वो बिल्कुल ही देखने वाला होता है। और आप ऐसे अगर कॉन्फिडेंट अगर किसी से बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली किससे बात करते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं जब किसी से आप बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सामने वाला आपको बिल्कुल भी हल्के में लेगा नहीं। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई अपराध हुआ, अब वो व्यक्ति जो आपका जानकार है, दोस्त, परिजन, परिवार कोई भी हो सकता है, वो जेल में है। कई बार लोग बोलते हैं, जैसे आपने पहली बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, दूसरी लगाई, बेल डिसमिस हो गई, लोग बोलते हैं कि नहीं, अब पहले यहां पर चार्जशीट लगने दो, बेल पक्का हो जाएगी। दोस्तों यह कथन पूरी तरह से सत्य बिल्कुल नहीं है। चार्जशीट का मतलब क्या है कि चार्जशीट का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी उस केस की कंप्लीट की जा चुकी है, पुलिस ने अपना वो चालान जो चार्जशीट है वो पेश कर दिया है जाकर कोर्ट में कि मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी मामले में कुछ लोग ज्यादा होते हैं, मतलब कि 3-4-5 लोग होते हैं, तो एक की चार्जशीट तो लग गई पर दूसरे की अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगना जरूरी है, लगना बाकी है। वो जो लगेगी उसके अरेस्ट होने के बाद, या पुलिस कब लगाएगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ये डिपेंड करता है। हो सकता है उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी आपका कुछ रोल सामने निकल कर आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चार्जशीट लगते ही आपकी बेल हो ही जाएगी। छोटे मोटे जो अपराध है उनके अंदर तो चार्जशीट का वेट ही मत करो, आपने बेल लगाई आपकी बेल हो जाएगी। सीरियस नेचर के अपराध है, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एफआईआर में जो कमियां निकालते हैं आपके वकील साहब, उसको ढंग से पढ़ने के बाद आपके किसी भी क्लाइंट से, जो उनका क्लाइंट होता है वकील साहब का, उससे मिलकर आते हैं जेल में, उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिसमें बहुत कमियां निकलती हैं, एविडेंस के साथ बेल लगाते हैं। मामले हालांकि सीरियस नेचर के होते हैं बट फिर भी चार्जशीट से पहले ही बेल हो जाती है। ये डिपेंड करता है वकील साहब की काबिलियत पर, कितने अच्छे से उन्होंने केस को तैयार किया है। और कई सारे ऐसे मामले मुकदमे होते हैं जिसके अंदर चार्जशीट भी लग गई, चार्जेस फ्रेम भी हो गए, साथ में गवाही भी हो गई, फिर भी अभी तक बेल नहीं हुई। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि चार्जशीट लग गई तो बेल हो ही जाएगी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके अंदर चार्जशीट लगने के बाद भी बेल नहीं होती। आप जाते हो सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर भी बेल नहीं होती, फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, चार्जशीट लगते ही आपकी बेल हो ही जाएगी। बहुत सारे मुकदमे हैं चार्जशीट का वेट मत करो, बेल लगाओ बेल हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे मुकदमे भी हैं जिनका चार्जशीट के बाद भी आपको बेल नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारा पैसा अपना बर्बाद कर लेते हैं लोगों की बातों में आकर। तो हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि आपको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। केस टू केस ही वेरी करता है, जो आपके वकील साहब या कोई भी कानूनी जानकार आपको आसानी से बता देगा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल या कोई भी किसी भी तरह के आपके दिल में डाउट है बेल को लेकर, किसी भी तरह की बेल को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या हमें व्हाट्सएप करें, हम कोशिश करेंगे आपकी उसमें मदद करने की। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।